हेलो बच्चों, P100 फिजिक्स में SDP सर। क्विज नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, जब किसी वस्तु को हम ग्राउंड से 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर सीधा ऊपर वर्टिकली अपवर्ड एक्शन में थ्रो करते हैं ना, तो कह रहा है कि इट कवर्स एक्स मीटर। तो एक्स मीटर इन लास्ट सेकेंड, अंतिम सेकेंड में एक्स मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अब जा देखिएगा, व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर्ड, लेट व्हाट विल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि लास्ट सेकंड में, अंतिम सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। लेट ट्वाइस मास, यानी कि इसका दोगुना मास प्रोजेक्टेड विथ 80 मीटर पर सेकंड, यानी कि दोगुने वेलोसिटी से, पहला 40 था और दूसरा 80 मीटर पर है, तो दोगुना का मास है और वेलोसिटी भी दोगुना है, यानी कि मास से दोगुना कर दिया जाए और वेलोसिटी दोगुना कर दिया जाए, तो अब वह लास्ट सेकंड में कितना कवर करेगा ना, कितना कवर करेगा। पहला ऑप्शन x, दूसरा ऑप्शन 3x/2, तीसरा ऑप्शन 2x, चौथा ऑप्शन 2x/3, और आपका समय शुरू होता है अब 1 मिनट। चार ऑप्शन में से किसी एक पर मार दीजिए निशान, लॉक करिए आंसर अपना। और 1 मिनट आपका पूरा होने जा रहा है, कुछ सेकंड बचे हुए हैं। वन मिनट कंप्लीट। अब आइए देखिए इसका आंसर। देखिए आंसर, वेरी फैंटास्टिक, सुपर ट्रिक, क्या वही आंसर इज फर्स्ट, कि जब आप 40 मीटर पर सेकंड से वस्तु को थ्रो करेंगे ऊपर, मास चाहे जितना हो, जानते हैं कि किसी भी समय में, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है किसी भी मास के, जब आप थ्रो करते हैं उसको, तो वह कितना ऊपर जाएगी, ऊपर जाना या किसी पार्टिकुलर सेकंड में कितना हाइट कवर करेगी या किसी समय कितनी वेलोसिटी होगी, कोई भी चीज यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो वह मास पर डिपेंड नहीं करता। द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, द हाइट एट एनी पॉइंट, द हाइट कवर्ड इन एनी टाइम इंटरवल डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी। पहला पॉइंट क्लियर, यानी कि मास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरा कि जो लास्ट सेकंड होता है दैट इज ऑलवेज वन। तो लास्ट सेकंड में देखो बेटा, लास्ट, वेरी वेरी फैंटास्टिक सुपर ट्रिक, ओके, या 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हो, या बेटा देखो वहां पर क्या लिखा है 40, तो आप 40 कर दीजिए, 40 मीटर पर सेकंड से आप थ्रो करो बेटा, तो लास्ट सेकंड यह एक है ना, ये हमेशा एक सेकेंड होगा ना लास्ट, तो जब भी किसी भी स्पीड से कोई भी वस्तु थ्रो की जाए, मास चाहे जितना भी हो, तो वह अपने अंतिम सेकंड में, वह अपने अंतिम सेकंड में हमेशा 5 मीटर ही चलती है। ओके, वेरी फैंटास्टिक। तो लास्ट सेकंड में हमेशा ही जो हाइट कवर होती है वह 5 मीटर ही होती है। यदि हम 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो करेंगे किसी वस्तु को सीधा वर्टिकली अपवर्ड, तो अपने अंतिम सेकंड में वह 5 मीटर जाएगी। यदि हम 200 मीटर पर सेकंड से थ्रो करेंगे तब भी वह अपने अंतिम सेकंड में 5 मीटर ही जाएगी। जब हम 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो करेंगे तब भी वह अपने अंतिम सेकंड में 5 मीटर ही जाएगी। यदि हम 1000 मीटर पर सेकंड से थ्रो करेंगे तब भी वह अपने अंतिम सेकंड में 5 मीटर ही जाएगी। यानी कि हमेशा होता है वह हाउ मच, ऑलवेज दैट इज 5 मीटर। आप कहोगे सर कैसे ना, कैसे इसका एक्सप्लेनेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द आंसर, दैट इज एक्स, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इस वेलोसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है,
चाहे जिस वेलोसिटी से थ्रो करोगे तो हमेशा लास्ट सेकंड में कोई भी वस्तु जब नीचे से ऊपर सीधा वर्टिकल थ्रो की जाती है तो अपने अंतिम सेकंड में हमेशा ही 5 मीटर ही चलती है। और अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे, ओके कम ऑन, देखो जानते हैं आप कि जब भी कोई वस्तु ऊपर जा रही होगी ना, जब भी कोई वस्तु ऊपर जा रही होगी तो जब वो जाएगी तो ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, वस्तु की वेलोसिटी कंटिन्यूअस घट रही है। एक कोई ऐसी जगह आएगी मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम टॉप पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जब वस्तु पहुँची तो उसकी वेलोसिटी जीरो होनी ही होनी है। हम किसी बाल को जब वर्टिकली थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ तो उसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं जा करके जीरो हो जाती है ना, बाल कहीं रुकता है ना, तो जहाँ पर जा करके बाल रुक गया लास्ट पॉइंट पर, दैट इज द मैक्सिमम हाइट, बाल वहाँ रुक गया। ओके चलो अब देखो बेटा, यहाँ से अब ये फ्री फॉल करेगा ना, अब ये नीचे आएगा ना, अब ये फ्री फॉल करेगा ना, तो कोई भी वस्तु, देखो बेटा बहुत अच्छा मैजिक, कि कोई भी वस्तु किसी भी समय में जाते समय जितना हाइट कवर करती है वह आते समय भी उतने ही समय में उतनी ही हाइट कवर करती है। फिर से सुनिए, कोई भी वस्तु जाते समय जिस समय अंतराल में, जिस टाइम इंटरवल में जितना हाइट कवर करती है, जब वो आती है तो उतने ही समय अंतराल में उतनी ही हाइट कवर करती है। दिस इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक मैजिकल ट्रिक। देखो बेटा, तो जब ये वापस आएगा तो वापसी में एक ही सेकंड होगा ना, अंतिम का एक सेकंड, तो वापस आएगा तो एक ही सेकंड ना हुआ बेटा, तो देखो यह एक सेकंड हुआ, तो एक सेकंड में जितना आएगा उतना ही एक सेकंड में गया था, जितना एक सेकंड में आएगा उतना ही एक सेकंड में गया था। तो h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर हाफ इंटू 10 इंटू 1, एक सेकंड है ना बेटा, तो दो से काट दो, h बराबर 5। यदि किसी वस्तु को जब हम छोड़ते हैं तो आते समय वह, अब आते समय पहले सेकंड में 5 मीटर की हाइट कवर करता बेटा, तो जब वो जा रहा होगा तो अपने अंतिम में कौन सी हाइट कवर करेगा, उतना ही ना, जितना आते समय उतना ही जाते समय। दिस इज द फिजिक्स 300 फिजिक्स, मैं STP सर, ये था क्विज नंबर 6। मिलते हैं अभी क्विज नंबर 7 में।